हेलो स्टूडेंट, एक बात पुणे फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे आवेश के बारे में, आवेश के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे। और हमने आपको गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म चल रहा था कि आवेश का, आवेशों का, वैद्युत आवेशों का संरक्षण। मैंने बताया किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश हमेशा नियत बना रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मैंने आपको इसमें बारे में समझा दिया था, जैसे युग्म उत्पादन अभिक्रिया में होता है, युग्म विनाश अभिक्रिया में होता है, और जितनी भी नाभिकीय रिएक्शन होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, उनमें भी आवेश क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे वैद्युत आवेशों के संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी निकाय पर वैद्युत आवेशों के संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी निकाय पर कुल आवेश नियत बना रहता है। किसी भी निकाय पर कुल आवेश नियत बना रहता है, अर्थात निकाय को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजारने पर, अर्थात निकाय को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजारने पर आवेश का मान नियत रहता है। अर्थात निकाय को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजारने पर आवेश का मान नियत रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश एक निकाय से दूसरे निकाय पर स्थानांतरित होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, पहला एग्जाम्पल लिखें आप, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो जितना धनावेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है, दूसरा एग्जाम्पल देखें। युग्म उत्पादन अभिक्रिया में जब कोई गामा किरण फोटोन द्रव्य से टकराता है, युग्म उत्पादन अभिक्रिया में जब कोई गामा किरण फोटोन द्रव्य से टकराता है तो एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। तो देखो, गामा किरण फोटोन टक्कर की, द्रव्य से टक्कर कराई तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक क्या बन जाएगा, पॉजिट्रॉन। ये बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन और ये क्या है भैया, ये है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो देखो कुल आवेश, यहाँ भी आवेश Q बराबर कितना है, 0, और यहाँ बराबर में, यहाँ भी कितना है, Q बराबर में -E + E।
ठीक है, ये कट जाएंगे बराबर कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यानी कि ये आवेश कुल आवेश संरक्षित है, ठीक है, ऐसे लिख उतार लेना कोई दिक्कत नहीं, ये उतार, ठीक है, कुल आवेश क्या है संरक्षित है, कुल आवेश क्या है संरक्षित, ठीक है। अगला एग्जांपल लिखेंगे, तीसरा लिखो, तीसरा एग्जांपल लिखो, युग्म विनाश अवक्रिया में जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से टक्कर करता है, युग्म विनाश अवक्रिया में जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से टक्कर करता है तो वे दोनों एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, वे दोनों एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और गामा किरण फोटोन उत्पन्न करते हैं, और गामा किरण फोटोन उत्पन्न करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है, माइनस ई प्लस में ई बराबर में जीरो, ठीक है, कितना आया बराबर में जीरो। तो यहाँ देखो क्यू बराबर में आवेश, गामा कैसे भैया, गामा कण कैसे आवेश शून्य होता है, गामा कण का आवेश क्या होता है शून्य होता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में आवेश क्या है शून्य है। तो आप ये उतारेंगे फटाफट, जल्दी फटाफट उतारेंगे, एक सब हाँ, चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे नाभिकीय अवक्रियाओं में, नाभिकीय अवक्रियाओं में कुल आवेश नियत रहता है, नाभिकीय अवक्रियाओं में कुल आवेश नियत रहता है, जैसे बान में यूरेनियम 238 और जब इसका विखंडन होता है तो ये बनाता है 90 थोरियम, ठीक है, 234, एक अल्फा कण बाहर निकल जाता है, अल्फा कण होते हैं द्वि आयनित हीलियम कण, तो ये क्या है भैया अल्फा कण, ठीक है। तो देखो आवेश देखा जाए तो यहाँ आवेश कितना है क्यू बराबर में बान में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ देखा जाए तो देखो कितना है यहाँ देखा जाए तो देखो यहाँ आवेश कितना है, यहाँ आवेश देखा जाए तो 90 क्यू बराबर में 90 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी कितने हो गए बान में इलेक्ट्रॉन, समझ में आई बात। तो बाई ओर का आवेश क्या है, बाई ओर के आवेश के बराबर है, यानी कुल आवेश संरक्षित है, कुल आवेश संरक्षित है, संरक्षित है, समझे नहीं बात, कुल आवेश संरक्षित है, कुल आवेश संरक्षित है। ये उतारो, चार एग्जांपल मैंने आपको कराए, इसमें ये मैंने आपको एग्जांपल कराए, तो अगला जो गुणधर्म है उसको हम देख लेते हैं फटाफट, इसको उतारेंगे तुरंत, फिर हम अगला गुणधर्म देखेंगे कि अगला गुणधर्म क्या है। हाँ, अगला गुणधर्म देखो, चौथा जो गुणधर्म है वो है आवेशों का क्वांटीकरण, चौथा जो गुणधर्म है इसका वो है वैद्युत आवेशों का, वैद्युत आवेशों का क्वांटीकरण, वैद्युत आवेशों का क्वांटीकरण, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन, इसे क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगला जो गुणधर्म है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वैद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। तो इसको समझेंगे बेटा, क्वांटीकरण देखो क्या होता है, क्वांटीकरण के बारे में हम बात करेंगे। देखो क्वांटीकरण क्या होता है, तो देखो क्वांटीकरण क्या होता है कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, इन दोनों वस्तुओं के मध्य आवेश का वितरण सतत ना होकर, कैसा ना होकर, सतत ना होकर, समझ में आई बात, दो वस्तुएं हैं उनमें आवेश का वितरण सतत ना होकर विविक्त रूप से होता है, कैसे रूप से होता है, विविक्त रूप से होता है, समझ में आई बात, विविक्त रूप से होता है। ठीक है, विविक्त रूप से, डिस्क्रीट, विविक्त रूप से होता है, कहने का मतलब क्या है इसका। ठीक है, दो आवेशों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है तो वो सतत ना होकर कैसा होता है, विविक्त रूप से होता है। कैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, समझो आप, ठीक है, या चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या पांच इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या छह इलेक्ट्रॉन जाएंगे, समझ बात। हमेशा दो वस्तुओं के मध्य जो आवेश का पुनर्वितरण है, आदान प्रदान है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, किसके रूप में होगा, पूर्ण गुणज के रूप में, किसके पूर्ण गुणज के रूप में, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में। मैं आपको बता रहा हूँ कि आवेश का वितरण सतत नहीं होगा, कैसे सतत नहीं होगा कि अरे हमेशा चार इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कभी पांच इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कभी छह इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब दो वस्तुओं के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार, दो वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का यदि आदान प्रदान, आवेश का यदि आदान प्रदान हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, किसके रूप में होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा किसके पूर्ण गुणज के रूप में हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, समझ में नहीं बात। कभी भी ऐसे आवेश नहीं जाएगा, तीन बटे दो इलेक्ट्रॉन चला गया, एक बटे दो इलेक्ट्रॉन चला गया, पांच बटे सात इलेक्ट्रॉन चला गया, आवेश का हमेशा आदान प्रदान ऐसे नहीं होगा, समझ में बात, हमेशा आदान प्रदान होगा, ये गलत है और ये क्या है, सही है। आवेश या तो प्लस माइनस ई जाएगा, या प्लस माइनस टू ई जाएगा, या प्लस माइनस थ्री ई जाएगा, या डॉट 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 प्लस माइनस क्या जाएगा, एन ई जाएगा, क्या जाएगा, एन ई जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वांटीकरण का अर्थ क्या है। पहली बात तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पहली बात तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि दो वस्तुओं के मध्य आवेश का आदान प्रदान सतत ना होकर विविक्त रूप से होता है, कैसे होता है, सतत ना होकर विविक्त रूप से होता है। ठीक है, और यदि किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत ना होकर विविक्त रूप से होता है, कभी एक, कभी पांच, कभी चार, कभी ऐसे होता है, तो उसे कहते हैं क्वांटीकरण, क्या कहते हैं उसे, क्वांटीकरण। और ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि दो वस्तु हैं उनके मध्य में आवेशों का जो आदान प्रदान होता है वो सतत ना होकर विविक्त रूप में होता है, अर्थात दो वस्तुओं के मध्य आवेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है। और जिस न्यूनतम राशि का आदान प्रदान हो सकता है, जिस न्यूनतम आवेश का आदान प्रदान हो सकता है उसे हम क्वांटा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटा। मैंने बताया कि जिस कितना न्यूनतम आदान प्रदान हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, कितना, प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, और इसे क्या कह सकते हैं, क्वांटा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और इसका मान, क्वांटा का मान कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो दो वस्तुओं के मध्य क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, दो वस्तुओं के मध्य जिस न्यूनतम मान का आदान प्रदान होता है उसे क्वांटा कहते हैं, और क्वांटा का मान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अर्थात दो वस्तुओं के मध्य न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, और इस न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹, समझ में आई बात। ठीक है, ये होता है क्वांटीकरण, क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकरण, समझ में बात। इसे फॉर्मूला आता है
कि आवेशों का जो आदान प्रदान है या तो आदान प्रदान होगा प्लस माइनस में एक इलेक्ट्रॉन का, या होगा प्लस माइनस में दो इलेक्ट्रॉन का, या होगा प्लस माइनस में तीन इलेक्ट्रॉन का, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आवेश का आदान प्रदान कितना हो सकता है, क्यू बराबर प्लस माइनस में एन इलेक्ट्रॉन का, कितना हो सकता है प्लस माइनस में एन इलेक्ट्रॉन का। समझ में आई बात? ठीक है, दो वस्तुओं के मध्य आवेश का आदान प्लस प्लस माइनस ई प्लस माइनस टू ई प्लस माइनस डॉट डॉट प्लस माइनस एन ई हो सकता है। समझिएगा, तो कुल आवेश कैसे निकालेंगे, तो आवेश कितना आएगा उस पर प्लस माइनस में एन ई, आदान प्रदान जितना हो रहा है उसका मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस क्यू बराबर प्लस माइनस में एन ई। समझ में आई होगी आपके? ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दो आवेश दो वस्तु हैं उनके मध्य में आवेशों का आदान प्रदान सतत नहीं होगा, कंटिन्यूसली नहीं होगा, डिस्क्रीट लेवल में होगा, विविध रूप से होगा, कभी पांच इलेक्ट्रॉन गए कभी आठ इलेक्ट्रॉन गए, कभी भी बटे में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, इसे पॉइंटों में नहीं जाएंगे, एक पॉइंट पाँच इलेक्ट्रॉन गया, एक पॉइंट तीन इलेक्ट्रॉन गया, इस प्रकार से आदान प्रदान नहीं होता है, हमेशा दो वस्तुओं के मध्य आवेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है। ठीक है, और दो वस्तुओं के मध्य एक न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, जिसे क्वांटा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, और जिसका मान 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। समझ में आई बात? तो ये आपको मैंने बताया क्वांटीकरण का सिद्धांत, इसका सिद्धांत बताया, क्वांटीकरण का सिद्धांत बताया आपको, बताया कि पॉइंट ऑफ, हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वांटीकरण में दो वस्तुओं के मध्य आवेशों का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है, पूर्ण गुणज में, किसके, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है, पॉइंटों में 1.2 इलेक्ट्रॉन गए 1.4, इस प्रकार से आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, इसे कहते हैं हम विविक्त, क्या कहते हैं, विविक्त रूप से आदान प्रदान होता है, और जिस न्यूनतम मान का आदान प्रदान होता है उसे क्वांटा कहते हैं, और क्वांटा का मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। ठीक है, तो अब इसमें आप लिखना स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे भैया आवेशों, वैद्युत आवेशों का क्वांटीकरण, वैद्युत आवेशों का क्वांटीकरण, वैद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। देखो, वैद्युत आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार दो वस्तुओं में आवेश का आदान प्रदान सतत ना होकर, वैद्युत आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार दो वस्तुओं में आवेश का आदान प्रदान, दो वस्तुओं में आवेश का आदान प्रदान सतत ना होकर विविक्त रूप से होता है, सतत ना होकर विविक्त रूप से होता है, अर्थात दो वस्तुओं के मध्य आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है, अर्थात दो वस्तुओं के मध्य आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है, और दो वस्तुओं के मध्य जिस न्यूनतम मान का आदान प्रदान होता है उसे क्वांटा कहते हैं, जिसका मान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और दो वस्तुओं के मध्य जिस न्यूनतम मान का आदान प्रदान होता है और दो वस्तुओं के मध्य जिस न्यूनतम मान का आदान प्रदान होता है उसे क्वांटा कहते हैं, जिसका मान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जिसका मान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अर्थात दो वस्तुओं के मध्य न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, अर्थात दो वस्तुओं के मध्य
न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है। आदान प्रदान हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है, आदान प्रदान हो सकता है। और यहां से पावर देंगे Q बराबर में प्लस माइनस में एन ई, 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 ठीक है। और यहां लिखेंगे आवेश का न्यूनतम मान, आवेश का न्यूनतम मान E बराबर में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, आवेश का न्यूनतम मान E बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कुल आवेश निकालने का, किसका कुल आवेश निकालने का, एन क्या है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है, और ई एक न्यूनतम आवेश का मान है, कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। समझ में आई बात, ठीक है। तो एक गुणधर्म और लिखेंगे, पांचवा गुणधर्म और लिखेंगे तुम, इस प्रकार मैंने आपको चार गुणधर्म बताए, चार गुणधर्म बताए, पांचवा गुणधर्म लिखेंगे, पांचवा गुणधर्म लिखेंगे आप, पांचवा गुणधर्म लिखेंगे समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। देखो समान आवेशों में, समान आवेशों में, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये बना देंगे प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस तो प्लस माइनस आकर्षण, माइनस प्लस आकर्षण। अच्छा देखो यहां देखेंगे आप, यदि दो आवेश हैं Q1 और Q2 ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, Q1 और Q2 दो आवेश है और उनका मान जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा कब होगा इनका मान, या तो इन दोनों का गुणनफल जीरो से, इन दोनों का गुणनफल जीरो से बड़ा कब होगा, या तो ये दोनों प्लस के, प्लस में Q1 प्लस में Q2, तो भी गुणनफल कितना आएगा Q1 Q2, या माइनस में Q1 या माइनस में Q2, तो भी गुणनफल कितना आएगा Q1 Q2, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा भैया, इन दोनों में समान आवेश होंगे, हमेशा समान आप, जब ये दोनों समान आवेश होंगे तो ही तो जीरो से बड़े होंगे, इनका गुणनफल तो ही तो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो इनमें क्या होगा प्रतिकर्षण, क्या होगा प्रतिकर्षण, इनमें होगा भैया प्रतिकर्षण, समझ में आई बात, ठीक है। और यदि मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं Q1 ठीक है, Q2 और लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो का मतलब है एक प्लस का एक माइनस का हो, एक प्लस का हो तो ही जीरो से बढ़ेंगे, ये प्लस का हो और ये किसका हो माइनस का हो तो भी किससे बढ़ेंगे, किससे छोटे होंगे जीरो से। तो कहने का मतलब जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो इनका गुणनफल जीरो से छोटा होगा और इनमें क्या होगा आकर्षण होगा, क्या होगा आकर्षण होगा। तो ये उतारो फटाफट भैया, जल्दी उतारो, ये फटाफट उतारेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बात की, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हम इसकी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मैं आपको फटाफट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे। देखो ये उतार लिया हो तुम्हें, फटाफट देखो एग्जाम्पल करते हैं, एक ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.1 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1.1 क्या कह रहा है कि किसी गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेश करने, किसी गोले को एक कूलाम आवेश से, ये कोई गोला है,
इसको एक कूलाम आवेश से धनावेश करने पर इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, मैंने इलेक्ट्रॉन निकालना है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा धनावेश, कितना आवेश होना चाहिए एक कूलाम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, ये कह रहा है कि किसी गोले से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर आवेश का मान कितना हो जाए, एक कूलाम आ जाए, एक कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाए, या एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है क्यू बराबर होता है एन ई, समझ में आई बात, ठीक है। क्यू बराबर दे रखा है एक कूलाम, एन का मान निकाल देंगे क्यू बटे में ई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन बराबर में, ठीक है, क्यू का मान एक बटे में 1.6×10^-19, इसे ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, पॉइंट हटा लो जीरो हटा लो, 10×10^19 और बटे में कितना हो जाएगा 16, एक जीरो यहाँ से ले लेंगे तो एन बराबर में यहाँ एक जीरो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, 100×10^18 बटे में 16, ये काटेंगे तो ये कितना आएगा 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक कूलाम, यदि आपको एक कूलाम से धनावेश करना है कोई बोला तो इतने इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाएंगे, तो उस पर एक कूलाम क्या आ जाएगा धनावेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा धनावेश, या कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में बात, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप फटाफट इसको नोट करें भैया, जल्दी एग्जाम्पल नंबर 1.1 नोट करें, जल्दी एग्जाम्पल नंबर 1.1 नोट करें जल्दी फटाफट। अगला एग्जाम्पल कराते हैं, अगला एग्जाम्पल कराते हैं, देखो नोट कर लिया होगा सबने, अगला एग्जाम्पल कराते हैं, अगला एग्जाम्पल देखो भैया, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, ये कोई वस्तु है और इसको आवेशित कर रहे हैं, इसको आवेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आवेश, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कितना बढ़ जाता है 9.1 नैनोग्राम, इतना इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, समझ में आई बात, आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, पहली बात तो ये। अब सुनो, पहले इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर है आपका 1.2, ठीक है, 1.2 एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, ये कह रहा है कि एक वस्तु है उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए, समझ में, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए कि उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई 9.1 नैनोग्राम, कितनी वृद्धि हुई 9.1 नैनोग्राम। बेटा जब ये दो वस्तुएं हैं और जब इन दो वस्तुओं के मध्य में एक आवेश एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो यहाँ बढ़ जाएगा, और दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लिया एम ई, दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 2ae, तो एन इलेक्ट्रॉन गए तो कितना आ जाएगा एन एम ई, इतनी वृद्धि होगी द्रव्यमान। मैंने आपको बताया कि जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ द्रव्यमान में वृद्धि होती है, समझिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ द्रव्यमान में वृद्धि होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ कितनी द्रव्यमान वृद्धि होगी, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ा, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है एम ई बराबर में 9.1×10^-31 kg, समझिए बात, इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। दो इलेक्ट्रॉन तो गए यहाँ तो दो एम ई हो गई वृद्धि, दो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान द्वारा वृद्धि, इसी प्रकार से एन इलेक्ट्रॉन गए तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, मतलब कमी, यहाँ तो कमी होगी उतनी और यहाँ इतनी क्या हो जाएगी वृद्धि, जितनी यहाँ कमी होगी उतनी यहाँ क्या हो जाएगी वृद्धि। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, और एक फॉर्मूला होता है
कि मान लिया एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान के बराबर वृद्धि हो जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन गए तो दो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, तो डेल्टा एम द्रव्यमान में परिवर्तन के लिए एन एम ई ये फॉर्मूला होता है, एन एम ई ये फॉर्मूला होता है, और एम यहाँ क्या है, यहाँ एम ई क्या है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई का मान होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। अब ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो द्रव्यमान में ये वृद्धि है, परिवर्तन है द्रव्यमान में, कितनी वृद्धि, तो द्रव्यमान में परिवर्तन दे रखा उसने, डेल्टा एम बराबर में दे रखा है 9.1 नैनोग्राम, क्या इसको ग्राम में लिखेंगे तो 9.1, ठीक है, और नैनोग्राम को जब ग्राम में बदलते हैं तो कितने से गुणा कर देते हैं, आप जानते हैं नैनोग्राम को जब ग्राम में बदलते हैं, ठीक है, तो नैनोग्राम में को जब ग्राम में बदलते हैं तो कितने से गुणा करते हैं, और ये आपको पता है ग्राम है तो नैनो को बदलेंगे तो कितने गुणा कर देंगे, यहाँ 10⁻¹⁹ से गुणा कर देंगे, ठीक है, अब ग्राम है और ग्राम को किलोग्राम बदलते हैं तो किसका भाग देते हैं, हजार का, किसका भाग, जब हजार का भागेंगे 3 जीरो ऊपर जाएंगी, तो ग्राम को मैंने किलोग्राम बदल दिया तो वहाँ 12 − 12 kg, कोई दिक्कत है क्या, देखो नैनो हटाया, यहाँ देखो 9.1 नैनोग्राम, नैनो हटाया 9.1 को 10⁻¹⁹ से गुणा कर दिया, और यहाँ ग्राम, अब ग्राम हटाया, ग्राम को किलोग्राम बदलते हैं कितने का भाग लेते हैं, 1000 का, तो 1000 3 जीरो ऊपर जाएंगी तो पहले −3 − 9 है और 3 जीरो ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी, कितने जाएंगे 10⁻¹⁻ अब निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो एन बराबर में यहाँ डेल्टा एम अपॉन में क्या आ जाएगा, एम ई ये आ जाएगा, तो एन बराबर में क्या आ जाएगा, एन बराबर में आ जाएगा 9.1 × 10⁻¹² ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा कितना, 9.1 × 10⁻³¹ समझ में जी बात, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताओ जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉल्व जब इसको करेंगे तो देखो ये तो कट जाएगा और ऊपर माइनस के 31 जाएंगे तो घटाएंगे तो कितने जाएंगे 10⁻¹⁹ कितने जाएंगे, तो एन बराबर आ जाएगा 10⁻¹⁹ प्लस के, इतने इलेक्ट्रॉन उसको देने होंगे जब 9.1 ग्राम नैनोग्राम द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आवेश की, आवेश का मान ज्ञात करो और प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है, तो आवेश का मान और प्रकृति, और आवेश का मान कैसे करते हैं, Q बराबर में एम ई से, ठीक है, आवेश का मान तो Q बराबर में यहाँ एम कितना है 10⁻¹⁹ और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ अच्छा ये 19 है प्लस में एन का मान 10⁻¹⁹ आ जाएगा −19 ये तो खत्म हो गया, तो Q बराबर में कितना आ गया 1.6 कूलम, ये कितना आ गया आवेश, समझ गए, ये आपके पास आवेश आया। अब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो ऋणावेशित होगी या धनावेशित होगी, तो वो क्या हो जाएगी, जब देते हैं इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित होती है और जब ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन तो धनावेशित हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी, प्रकृति हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, समझ में आप, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या होगी प्रकृति, ऋणावेशित, क्या होगी, ऋणावेश, प्रकृति हो जाएगी भैया ऋणावेश, समझ में बात, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल मैंने कराया, फटाफट इसको नोट करेंगे एग्जाम्पल को जल्दी, इस एग्जाम्पल को जल्दी नोट करेंगे, जल्दी करो बेटा नोट इसको,
एग्जाम्पल नंबर अगला देखेंगे, ये आपने बता दिया होगा। एग्जाम्पल नंबर अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर अगला है 8.3। ये क्या कह रहा है कि एक कप जल, और एक कप में जल है 250 ग्राम, कितना है 250 ग्राम जल में कितनी मात्रा में धनावेश होंगे और कितनी मात्रा में ऋणावेश होंगे। कितनी मात्रा में धनावेश होगा, कितनी मात्रा में क्या होगा ऋणावेश, मतलब आवेश पूछा है। एक ग्राम 250 ग्राम जल में कितना धनावेश होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और कितना धनावेश होगा, कितना ऋणावेश होगा, ये पूछा है। तो देखो आपके पास भार दे रखा है कितना 250 ग्राम, कितना दे रखा है 250 ग्राम। सबसे पहले आप जल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं जल की, तो यहाँ H2O का भार दे रखा है। H2O का पहले निकालेंगे अणुभार, क्या निकालेंगे अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं, ठीक है, कितने 8 × 16 है, ये कितने हो जाएंगे, देखो 16 है और इसके कितने हैं 2 18 है, तो अणुभार कितना आ गया 18। अब परमाणुओं की संख्या निकालते हैं, किसी तरह अणुओं की संख्या निकालते हैं। अणुओं की संख्या का सूत्र क्या होता है, अणुओं की संख्या जल में 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला है भार बटे में अणुभार गुणा में अवोगाद्रो संख्या। ये आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा सूत्र, ये भार बटे में अणुभार इनटू में अवोगाद्रो संख्या। तो देखो स्मॉल एन बराबर स्मॉल एन कैपिटल एन इनटू में एन ए, ठीक है। सब चीज अपने पास है, कौन कौन सी चीज है, ये है भैया, और ये दे रखा है 250 बटे में 18, यहाँ एन बराबर में 250 बटे में 18 इंटू में इसका मान होता है 6.023 गुणा 10 की घात, कितना होता है 10 की घात 23 होता है, क्या चीज होती है 10 की घात 23, समझ में नहीं बात, ठीक है। आओ बात संख्या का मान कितना होता है 10 की घात 23, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे, अच्छा ये तो आ गए इसमें कुल अणु। अब एक अणु में H2O के एक अणु में देखो ये H2O या में O का कितना है 8, इसमें कितना है 10, तो प्रोटॉन होंगे और 10 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप एक का आवेश निकाल लेना, तो Q बराबर में एन ई, तो 10 है तो 10 प्रोटॉन के लिए निकाल लेना, Q बराबर में 10, ठीक है। और यहाँ ई का मान आपको इनटू में एन का मान है आपके पास 10 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है 10 प्रोटॉन, तो इससे आप क्या कर देंगे इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ एन का मान यहाँ से निकाल के तो 250 बटे में 18 गुणा 6.023 गुणा, ठीक है, 10 की घात 23, और यहाँ आ जाएगा 10e। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, और इसको गुणा भाग करके आपको एक ई का मान देंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस में 19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा क्यू का मान, जितना क्यू का जितनी प्रोटोनों की संख्या होगी उतनी किसकी संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, समझ में बात। सबसे पहले आप बताऊँ आपको क्या दे रखा है, भार दे रखा है 250 ग्राम जल, जल है तो उसका अणुभार निकालिए 18 8 16 2 18, ठीक है। और सूत्र होता है अणु संख्या निकालने भार बटे अणुभार इनटू में अवोगाद्रो संख्या, एन 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 बराबर स्मॉल एन कैपिटल एन इनटू में एन ए, एन ए क्या है अवोगाद्रो संख्या, हमने एन का मान निकाल लिया, ठीक है। इतनी हमारे पास क्या है अणु आए, और एक अणु है उसमें 10 प्रोटोन होते हैं, तो 10 में बढ़िए 10 प्रोटोन का 10 प्रोटोन ले लो चाहे 10 इलेक्ट्रॉन, बराबर प्रोटोन होंगे बराबर ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे इसके, समझ में आएगी बात, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अगले टॉपिक की।